हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी दर्शन। आज हम आए हैं नोएडा के बेदवन में और यह 78 सेक्टर में है। यहाँ पर आने के लिए नज़दीकी मेट्रो स्टेशन 101 पर आ सकते हैं, जहाँ से थोड़ी ही दूर पर यह वैदिक पार्क है। तो अब हम बिना देर किए ही गेट नंबर 2 से एंट्री करते हैं। आपको नोएडा के इस वैदिक पार्क में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जिससे ज्ञान भी होगा और मनोरंजन भी। यह पार्क इंडिया का सबसे पहला वैदिक पार्क है, जिसका उद्घाटन कुछ ही समय पहले हुआ है और यह बहुत ही ज्ञानों से भरा हुआ खूबसूरत पार्क है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि मैं आपको इस पार्क का अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। यहां से कुछ ही दूरी पर आपको 4 वेदों का बहुत ही सुंदर बुक का चित्रित किया गया है, जिसमें आप देख सकेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का पूरा डिटेल से दर्शाया गया है। यह पार्क बहुत ही खूबसूरत तरीकों से बनाया गया है, जहां पर कई तादादों में लोग आते हैं और इस खूबसूरती का आनंद लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि अगस्त ऋषि से जुड़ी हुई कहानी को बताई गई है, जिसमें अगस्त ऋषि ने राक्षसों के अत्याचार से देवताओं को मुक्ति देने के लिए अपनी मंत्र शक्ति से यह समुद्र का सारा पानी पी गए थे। नोएडा का यह पार्क सप्त ऋषियों से जुड़ा हुआ बहुत ही खूबसूरत पार्कों में से एक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर छोटे छोटे पगडंडी बनाए गए हैं, जिस पर चलकर आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर और एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो पृथ्वी को दर्शाता है, जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर अक्षरों से गायत्री मंत्र लिखा गया है। इसकी विशेष जानकारी के लिए इस वीडियो को पॉज करके इसे आप पढ़ सकते हैं। इसकी थोड़ी ही दूरी पर एक अश्व का स्ट्रक्चर को चित्रित किया गया है, जो अश्व मेघ यज्ञ को दर्शाता है। यदि आप घूमने के शौकीन हैं, तो यह पार्क आपके लिए बहुत ही बेहतर है, जहां पर आप 2 से 4 घंटे टाइम आराम से बिता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही रोचक वेदों से संबंधित ज्ञान को दर्शाया गया है। आप सामने देख सकते हैं कितना सुव्यवस्थित से गुरुकुल को दर्शाया गया है। यदि आप नोएडा आए तो इस वैदिक पार्क में एक बार आकर इस आनंदमय दृश्य को देखने के लिए जरूर से जरूर पधारें। यहाँ पर एक और प्रतिमा बनाई गई है, जो मेटल से बनाई गई है। इसमें बहुत ही खास बात यह है कि इस प्रतिमा को आप जब भी सामने से देखेंगे, तो यह अदृश्य हो जाएगी, जो यह बहुत ही रोचक और अद्भुत दृश्य है। इस पूरे पार्क को सप्तऋषियों के क्षेत्रों में बांटा गया है, जो और भी सुंदर बना देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर आकृति बनाई गई है, जो कि हाथों में एक चिड़िया को रखा गया है, जो अपने आप में यह एक कहानी को दर्शाती है। नोएडा अपने आप में एक खूबसूरत सिटी के रूप में विकसित हो रही है, जहां ऊंची ऊंची इमारतें और एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण हो रही है, जो कि इस पार्क को और ही बेहतर बनाती है। यह पार्क सुबह 6 बजे से 9 बजे रात्रि तक ओपन रहती है, और इसी बीच रात्रि 8 बजे बेहतरीन लेजर शो कराया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक चित्र को चित्रित किया गया है। आपको याद होगा, जब समुद्र मंथन हुआ था, तब उसी मंथन से अमृत का निर्माण हुआ था। यहाँ पर उसी इतिहास को दर्शाया गया है। आप इसे आगे तक देखेंगे तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। सामने आप देख सकते हैं कि नोएडा का यह जगह काफी ही विकसित हो रही है। ऊंची ऊंची इमारतें और खूबसूरत वातावरण, जैसे लगता है कि आने वाले समय में यह काफी ही विकसित हो जाएगी और इसकी एक अलग ही पहचान होगी। यह पार्क सप्त ऋषियों से संबंधित एवं वेदों से भरा पड़ा भरपूर ज्ञान का भंडार है। सामने आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्रतिमा महर्षि जमदग्नि की है, जो युद्ध कला को दर्शाता है।
इन्होंने अनेक विशालकाय हथियारों का निर्माण किया था और वह धनुष तलवार जैसे शास्त्रों का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ब्रिज का निर्माण किया गया है जो देखने में काफी ही खूबसूरत और जिस पर चलकर आप काफी आनंद ले सकते हैं। इस पार्क को अलग अलग ऋषियों के नाम पर जोन में बांटा गया है जिससे काफी ही और खूबसूरत लगता है। भारत का यह पहला वैदिक पार्क है जिसे 27 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। यहाँ पर एक और प्रतिमा बनाई गई है जो काफी ही खूबसूरत है। आप कभी भी नोएडा का सेक्टर 78 में आते हैं तो इस वैदिक पार्क में अवश्य आइए क्योंकि यह पार्क काफी ही खूबसूरत है। और अब आप सामने देख सकते हैं काफी ही सुंदर दृश्य वाटर फवारे का। यह फवारे मन को काफी ही भाता है। जब इस फवारे के नजदीक जाएंगे तो इसकी ठंडी ठंडी बूंदे आपके चेहरे पे पड़ेगी तो बहुत ही आनंद आएगा। इसे देखने के लिए लोग काफी ही उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे लोगों की भीड़े बढ़ती जाएगी। यहाँ पर एमपी थिएटर भी है और रात 8 बजे लेजर शो किया जाता है जिसमें वेदों और पुराणों तथा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चित्रों को लेजर शो के माध्यम से दिखाया जाता है जिसे देखकर लोग काफी ही उत्सुक होते हैं और उस टाइम दर्शकों की संख्या काफी ही हो जाती है। इस लेजर शो का पूरा डिटेल्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल हम इस पार्क का और भी खूबसूरत चीजों को देखते हैं। यहाँ पर एक और ही बहुत ही प्यारा प्रतिमा बनाई गई है जो माँ की ममता और बच्चे का प्यार को दर्शाता है। यहाँ से कुछ ही दूरी और चलने पर एक और स्कल्पचर हाथों का है जो दान को दर्शाता है। ऋषि अत्रि बताते हैं कि भले ही किसी को सीमित आय हो उसे उदार लेकिन सावधान तरीके से दिया जाना चाहिए, इसे दान कहा जाता है। इस वैदिक पार्क में काफी ही पौधे लगाए गए हैं जिसके साथ उसका नाम भी दिया गया है। जब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखेंगे कि शंख का चित्रण किया गया है जिसमें बताया गया है कि शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो जाता है। यह पार्क आने वाले दिनों में काफी ही डेवलप हो जाएगी जब इस पार्क में पेड़ पौधे बड़े बड़े हो जाएंगे तो और भी इस पार्क की सुंदरता निखर कर आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुर्गासियों का प्रतिमा बहुत ही सुंदर बनाया गया है। बताया गया है कि यह दुर्गासियों गर्भ में ही रहते हुए माता पिता की सारी बातों को सुनकर वेदों को सीखता था और इसका जन्म भजन गाते हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई का महत्व को दर्शाया गया है। यहाँ पर साइकिल ट्रैक भी बनाया गया है जिस पर साइकिल चलाते हुए इस पूरे पार्क को चक्कर लगा सकते हैं। सामने यहाँ पर देख सकते हैं जीवन के 4 स्तंभों का उल्लेख किया गया है। इस पार्क में बच्चों के लिए ओपन जिम भी बनाया गया है जिसमें बच्चे लोग खूब आनंद लेते हैं। इस पार्क में जॉगिंग ट्रैक भी बनाई गई है जिस पर लोग जॉगिंग करते हैं। इस पार्क में बहुत सारे औषधीय पौधे भी लगाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर चित्र से ऋषिका का उल्लेख किया गया है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जाते हैं तो बहुत ही सुंदर प्रतिमा कामधेनु का बनाया गया है।
तो ये था वीडियो का पार्ट वन, और हम अगले पार्ट में दिखाएंगे एमपी थिएटर का लेजर शो, जिसमें वेदों और पुराणों और इतिहासों को लेजर लाइट के माध्यम से दिखाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। और ये रहा आपका कार पार्किंग, तो अब हम यहीं से विदा लेते हैं और जल्द ही फिर मिलते हैं लेजर शो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।